गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू दी एच पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर स्नैपशॉट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज स्नैपशॉट इज कमिंग फॉर 11 मार्क्स एंड 6 मार्क क्वेश्चन विद कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोस। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट वन ऑफ द प्रोस, दैट इज द एड्रेस विच इज रिटन बाय मार्का मिंगो। बेटा, दी एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ मार्का मिंगो, जिसमें मार्का मिंगो मेन कैरेक्टर है। इनकी मदर हैं मिसेस एस, और एक मदर का सोशल कॉन्टैक्ट है। सोशल कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? जानकार होते हैं बच्चे, है ना, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, ना ही वो हमारे दोस्त होते हैं, ना ही वो हमारे रिलेशन में आते हैं, बट हम उन्हें सोशली जानते हैं। तो सोशल कॉन्टैक्ट है यहाँ पर मिसेस एस, जो कि मार्का मिंगो की मदर हैं, उनका जिनका नाम है मिसेस डॉलिंग। अब बच्चे, होता क्या है, ये चैप्टर जो है ये एक वॉर पे बेस्ड है, यानी वॉर से क्या इम्पैक्ट हुआ है मार्का मिंगो की लाइफ पे। तो बच्चे, नाजीज जो कि जर्मनी थी, उन्होंने हॉलैंड के ऊपर अटैक किया था, वर्ल्ड वॉर था, और ये जूस को मार रहे थे। मार्का मिंगो एक जू हैं, राइट, और बेसिकली ये अपने घर आई होती हैं, इनको घर में थोड़ी सी चेंजेस लगती हैं, वॉर के हालात जो हैं वो बने होते हैं, राइट, और इनकी मदर इनको कहते हैं कि तुमने कोई चेंजेस देखी? तो इनकी मदर बताती हैं कि वॉर शुरू होने वाला है, हमारा जो वैल्यूएबल आइटम है, हमारे जो वैल्यूएबल सामान है, ये मिसेस डॉलिंग लेके जा रही है। मिसेस डॉलिंग जो है वो मिसेस एस की एक सोशल कॉन्टैक्ट हैं, जो कि बहुत साल के बाद दोबारा इनकी लाइफ में आई है और इनको फ्रीक्वेंटली विजिट कर रही है। मिसेस डॉलिंग ने मिसेस एस को बोला होता है कि जब आपका वॉर वाला जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन ऑनगोइंग कंडीशंस हैं, ये जब स्टेबल हो जाएंगे, तब आप अपने वैल्यूएबल्स आराम से वापस अपने घर लेके जा सकते हैं। मगर ये बात मार्का मिंगो को अच्छी नहीं लगती। मार्का मिंगो इस पे बोलती कि वाई शी इज़ डूइंग इट, और अब मिसेस एस कहती है कि मिसेस डॉलिंग जो है वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के, अपनी लाइफ को खतरे में डाल के हमारा सामान लेके जा रही है, मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगी। और यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है, दोनों माँ बेटी आपस में इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वॉर स्टार्ट होता है, इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद बच्चे, जो चेंजेस आती हैं मार्का मिंगो की लाइफ में, उसका एक मेजर चेंज ये होता है कि अब मिसेस एस जो हैं वो मर चुकी हैं। प्री वॉर की बात करें, प्री वॉर में मिसेस एस अलाइव थी, शी वॉज मदर, शी वॉज सपोर्टिंग मार्का मिंगो। वो बहुत ही अमीर थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, दे यूज़ टू हैव एंटीक्स, दे यूज़ टू हैव वैल्यूएबल्स। नाउ आफ्टर द वॉर उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो वीक हो गया है। मार्का मिंगो की मदर, जो मदर मिसेस एस हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ नो मोर। मोर ओवर, प्री वॉर इनका अपना खुद का घर था, और पोस्ट वॉर मार्का मिंगो एक रेंटेड अपार्टमेंट पे रह रही है, यानी इनका जो घर है वो रेंटेड है। अब एक दिन इसको याद आता है कि इसकी मदर ने बताया था एक एड्रेस, जिसका नंबर है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जहाँ पे इन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं, वैल्यूएबल जो हैं, जो एंटीक्स हैं, वो दी थी मिसेस डॉलिंग को रखने के लिए। मार्का मिंगो मिसेस डॉलिंग के घर पहुँचती है और बेल रिंग करती है। मिसेस डॉलिंग दरवाज़ा खोलती है और मार्का मिंगो बताती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, मगर मिसेस डॉलिंग उन्हें रिकग्नाइज करने से मना कर देती है, उसे रिफ्यूज़ करती है और उसे अंदर आने नहीं देती। जो प्रोटागोनिस्ट है वो देखती है कि जो मिसेस डॉलिंग है, उन्होंने उनकी माँ का ग्रीन कार्डिगन मीन स्वेटर पहना है, जिसके बटन जो हैं पेल हो चुके हैं, क्योंकि उसे एक्सेसिवली वॉशिंग की है, उसको बहुत बार इन्होंने धोया है। मिसेस डॉलिंग की नज़र जब यह पड़ती है कि जो प्रोटागोनिस्ट है उनके स्वेटर पे देख रही है, तो वो अपने आप को दरवाजे के पीछे हाइड कर लेती है और प्रिटेंड करती है जैसे कि वो मिसेस एस की बेटी को जानती ही नहीं है। मिसेस एस वहाँ से वापस जाती है, रास्ते में वो सभी वेज देखती है, बिल्डिंग्स देखती है, घर देखती है। शी यूज़ टू सी एवरीथिंग विच यूज़ टू मेक हर हैप्पी इन हर चाइल्डहुड, बिकॉज शी हैज़ स्पेंडेड हर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ओवर देयर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही हसीन लम्हे जो हैं वो वहाँ पर स्पेंड किए हैं।
वो फिर से डिसाइड करती है पेटागोनिस के वो मिसेस डॉलिंग के घर जाएगी, मगर इस बार जब मिसेस डॉलिंग के घर जाती है बेल करती है और मिसेस डॉलिंग दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि उनकी बेटी मिसेस डॉलिंग की बेटी दरवाज़ा खोलती है और उनको अंदर आने के लिए परमिशन देती है। वो उनको लिविंग में लेके जाती है। पैसेज से निकलते हुए वो हनुका कैंडल्स देखती हैं। हनुका इज़ अ टाइप ऑफ कैंडल स्टैंड जो कि मिसेस एस का होता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में जाती है वो बहुत ही हॉरीफाइड हो जाती है उन चीज़ों को देख के जो कभी उनकी मदर की चीज़ें हुआ करती थी, जो कभी उनसे बिलोंग करती थी, मगर अब उन्हें बहुत ही अनमैनर्ड तरीके से रखा है। फर्नीचर जो कि अगली है और कमरे से एक बहुत ही स्टेल स्मेल यानी मगी स्मेल, बासी स्मेल आ रही होती है। मिसेस डॉलिंग की बेटी उन्हें एक कप चाय ऑफर करती है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करती है कि जो टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछाया है उसका एक बर्न मार्क था उस टाइम से, क्योंकि क्लॉथ भी उनसे बिलोंग करता है और वो अभी भी वहाँ पे है। गर्ल उन्हें बताती है कि हमारे घर में क्या क्या एंटीक चीज़ें हैं, जिसमें वो सिल्वर फोक स्पून सभी बिलोंगिंग्स बताती है, मगर एट द एंड ये जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ये जितनी भी प्रीशियस चीज़ें हैं, एंटीक्स हैं, ये सभी मिसेस एस और मार्गा मिंगो जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस चैप्टर के, उनसे बिलोंग करती है। उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से रखा होता है और ये पूछती हैं मार्गा मिंगो मिसेस डॉलिंग की बेटी से, क्या आप इन्हें पॉलिश नहीं करते? मिसेस डॉलिंग की बेटी कहती है कि हाँ मदर ने मुझे एक बारी कहा था मगर मेरा मन नहीं लगा इसको पॉलिश करने में, और वो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देती है। इतनी देर में मार्गा मिंगो उड़ती है, कहती है कि इट्स टाइम टू लीव, अब ये समय आ चुका है जब मुझे जाना है, और वो उठ के वहाँ से निकलना शुरू करती है। इतनी देर में मिसेस डॉलिंग की बेटी कहती है कि मॉम इज़ अबाउट टू कम, डोंट यू लाइक टू मीट मॉम? इस बात पे प्रोटैगनिस्ट जो हैं हमारी मार्गा मिंगो वो उन्हें मना करती हैं और वहाँ से निकलती हैं। जब वो निकलती है घर के बाहर निकलती हैं और वो डिसाइड करती है कि शी विल नेवर विजिट द प्लेस अगेन एज इट ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड हेंस शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। वो डिसाइड करती है कि वो वापस इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि इस घर में उन चीज़ों को देखकर उसकी मेमोरीज जो हैं वो रिफ़्रेश हो गई हैं, मगर एक सोशल कनेक्शन जो मार्गा मिंगो का था इन चीज़ों के साथ वो भी लूज़ कर दिया, क्योंकि उनको उस तरह से नहीं रखा गया है, उस तरह से उनकी टेक केयर नहीं की गई है मिसेस डॉलिंग और उसके बेटी के ज़रिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट भी इन चीज़ों पर लूज़ करती है और ये सोचती है कि शी विल नाउ फॉरगेट दी एड्रेस। तो बच्चे दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द एड्रेस। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, आई हैव जस्ट गिवन यू ओवरव्यू, but after going through this video you have to go through the thorough reading of the chapter bachche, you don't have any other option of skipping the thorough reading. I will recommend you to get an overview by going through this video, but after watching this video it is mandatory to go with the chapter in detail. Thank you and have a nice day.